नमस्कार, मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं दुनिया तक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 36 घंटे के हिंदुस्तानी दौरे से पाकिस्तान के दिलो दिमाग पर गहरी चोट लगी है। अब पाकिस्तान लाख कोशिशें कर ले अपना गम छुपाने की, ये दिखाने की कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ट्रंप और मोदी की मारी चोट के घाव इतने गहरे हैं कि उसके निशान पाकिस्तान के चेहरे से कभी नहीं मिटने वाले। अब पाकिस्तान को चिंता इस बात की करनी होगी कि ट्रंप ने जिस लहजे में उसे पीटा वो लहजा भारत का है। जिस अंदाज में पाकिस्तान को चेतावनी दी वो अंदाज प्रधानमंत्री मोदी का है। अब क्या होगा पाकिस्तान का ट्रंप और मोदी जब एक जैसे मूड में नजर आने लगे हैं? The United States and India are committed to working together to stop terrorists and to fight their ideology. My administration is working in a very positive way with Pakistan to crack down on the terrorist organizations and militants that operate on the Pakistani border. इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? भारत और अमेरिका के बीच लगातार बढ़ती साझेदारी से पाक की हालत खराब है। इमरान को समझ नहीं आ रहा कि राजनीति की पिच पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे ट्रंप और मोदी के खिलाफ फील्डिंग लगाएं तो लगाएं कहां, ये पार्टनरशिप रोकें तो रोकें कैसे। अमेरिका में हुए हाउडी मोदी ने इमरान को गहरा सदमा दिया और अब नमस्ते ट्रंप के बाद से तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की धज्जियां ही उड़ गई हैं। एक ओर डिप्लोमेसी के महारथी पीएम मोदी हैं तो दूसरी ओर कटोरा लेकर दर दर भटकने वाले इमरान खान। तो इसमें कोई शक नहीं, भारत को किसी का कोई डर नहीं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज का भारत मजबूत है, मजबूर नहीं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब बांग्लादेश जाने की खबरें हैं। 16 से 18 मार्च तक बांग्लादेश की यात्रा पर जा सकते हैं। इस यात्रा के दौरान वे अपने बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना से वार्ता कर सकते हैं। स्थानीय मीडिया में इस पर जानकारी दी गई है। बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यूनल ने विभिन्न सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि 18 मार्च को पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच होने वाली वार्ता में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों की यात्रा के क्रम में 16 मार्च को ढाका पहुंचेंगे। 17 मार्च को वे शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो इमरान खान साहब, पीएम मोदी से सीखिए कैसे निभाई जाती है दोस्ती, कैसे बनाए जाते हैं पक्के दोस्त और कैसे की जाती है विश्व राजनीति की पिच पर कामयाब पार्टनरशिप। शायद ही दुनिया का कोई देश होगा जो भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं चाहता हो। तो पाक के लिए कड़वी सच्चाई भी यही है कि वही सारे जो भारत के दोस्त हैं वे एक सुर में कह रहे हैं कि इमरान का देश पाकिस्तान एक आतंकी देश है और आज का भारत मजबूत है, मजबूर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग हर मंच से आतंकवाद और उसके मददगार देशों के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का आह्वान किया। भारत का इशारा हमेशा पाकिस्तान की तरफ ही होता था। जो भारत कहता था वही बात भारत दौरे पर ट्रंप ने दोहरा दी है। ट्रंप ने इशारों इशारों में पाकिस्तान को यह स्पष्ट नसीहत दे दी कि अगर वो भारत और अमेरिका के गुस्से से खुद को बचाना चाहता है तो अपनी धरती पर पनप रहे आतंकवाद को तुरंत खत्म करें। देखते रहिए दुनिया तक।